तो अगर आप यूज करना चाहते हैं और आपको अगर मान लो ये देखना है कि e इज माइनस dv बाय dr में नेगेटिव साइन क्या शो करता है, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका पोटेंशियल हर पॉइंट पर कम होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव हमेशा लोअर पे होता है। यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्यू चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ लगा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप आगे मूव करते हैं तो आपका पोटेंशियल दूर जाते हुए क्या होता जाएगा, डिक्रीज। पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड योर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है यहाँ तक? तो इसका न्यूमेरिकली मतलब क्या है वो समझते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, क्वेश्चन ऐसा आएगा इसके ऊपर, ये x इज इक्वल टू 2 का पॉइंट है और ये 5 का पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल 15, यहां पर 12। आप मुझे ये बताओ राइट जाने में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। राइट जाने में 15 से 12 हो गया, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, राइट की लेफ्ट? मैंने कहा ऊपर रिजल्ट बताया था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं आपका पोटेंशियल कम होता है। तो मैंने कहा आपका पोटेंशियल कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, राइट की लेफ्ट? राइट है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऐसा आ सकता है कि आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो आप एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ए और बी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेक्टर से रिप्रेजेंट की थी या लाइन से रिप्रेजेंट की थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रही है, स्केलर 15-12 वोल्ट। पता लग रहा है 15 से 12 जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर ही जाएगा, यानी कि वी भी वही काम कर रहा है जो ई करता है। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा, फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू निकालो। तो ई निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस डीवी बाय डी आर की जगह डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस से काम हो रहा है तो यहां पर डी एक्स। अब एक चीज देखो, dv की वैल्यू अगर आपने पुट करनी है तो मान लो आप a से b पे जा रहे हो, a से b पे जा रहे हो, तो ये आपकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। तो dv में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सिंपल। और dx में फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे थे आपका पोटेंशियल गिर रहा था, तो ये टर्म नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए आगे नेगेटिव लगाना पड़ा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाओगे आपका डीवी नेगेटिव ही आएगा। हाँ, कोई कहे सर मैं उल्टा चलता हूँ, उल्टा चल पड़ो, चलो आप इस तरफ चल पड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप उल्टा चलो, तो ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएक्स में ई इज इक्वल टू माइनस। अब इस बार क्या हुआ, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, फाइनल, और ये क्या हो गया, इनिशियल। तो क्या होगा, 15-12 और x कोऑर्डिनेट में 2-5। आंसर फिर से क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। आप a से b जाओ या b से a जाओ, ये फॉर्मूला जैसे मर्जी लगाओ आंसर सेम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? तो ये फॉर्मूला आपको पोटेंशियल की वैल्यूज को देखते हुए, डिस्टेंस की वैल्यू को देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देगा। क्लियर है यहां तक? तो ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है, अब सपोज कोई ये कहता है, इसलिए तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो आपने लगा दिया ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएक्स। अगर ये वाई वाई कोऑर्डिनेट पे चल रहा होता तो माइनस डीवी बाय डीवाई, अगर ये जेड पे चल रहा होता माइनस डीवी बाय डी जेड, बात खत्म। लेकिन अगर ये एक्स वाई जेड में चल रहा होता, एक्स वी वाई वी जेड में, तो फिर जैसे मान लो वी ए है 3x 2y-z, तो वो फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला रजिस्टर पे लिखो e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये फुल नहीं है, ये पार्शियल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x i कैप, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y कैप और z। इसको लिखो, यूज कैसे करना है बताता हूं, और फुल और पार्शियल में क्या फर्क है ये भी बताता हूं। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे।
देखो, जो फुल डेरिवेटिव है और जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसमें क्या अंतर है? जो तो फुल डेरिवेटिव होते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है? अब यहां पर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, तो आप याद है यू इंटू वी का फॉर्मूला, एक बार एक्स बाहर रखते हो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, एक बार वाई बाहर रखते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यही रूल है। ये फुल डेरिवेटिव है। अगर सेम क्वेश्चन पार्शियल हो जाए, पार्शियल में अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आप वाई को हमेशा क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाय डी एक्स बच जाएगा जो कि वन होता है, तो आंसर क्या आएगा इसमें? वाई। जैसे फिर देखते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन आता है डी बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप पार्शियल करते हो तो डी एक्स बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, डी जेड बाय डी एक्स। अब क्योंकि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो पार्शियल क्या करता है? इसे और इसे दोनों को क्या मान लेगा? कांस्टेंट। तो इसकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेट वे क्या हो जाएगी? जीरो। तो आंसर आ जाएगा वन। पर अगर ये फुल होता तो डी एक्स बाय डी एक्स वन होता, यहां पर लिखना पड़ता डी वाई बाय डी एक्स, यहां पर लिखना पड़ता डी जेड बाय डी एक्स, ये फर्क है। ठीक, पार्शियल और फुल क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वी गिवन है, एक्स वाई जेड में आपको ई वेक्टर निकालना है, वो ई द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में माइनस डी वी बाय डी एक्स तो होता ही है, इसके पीछे आई कैप, जे कैप और के कैप, माइनस तो बाहर रहेगा। तो वी की जगह आप ये पूरा पुट कर दें, यहां वी की जगह पूरा पुट कर दें, यहां वी की जगह पूरा पुट कर दें, कर दिया। एक चीज बताएं कि जब आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बचेगा? बस ये बचेगा, क्योंकि ये दोनों क्या माने जाएंगे? कॉन्स्टेंट। इसकी डिफ्रेंसिएशन तो जीरो है, ऐसे ये दोनों कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन, ये दोनों कांस्टेंट है इसकी डिफरेंशिएशन। तो आपके पास कुल मिला के ये आ जाएगा, यहां से थ्री बाहर, यहां से टू बाहर, यहां से माइनस वन बाहर, माइनस साइन एडजस्ट करेंगे आंसर आ गया। तो ई वेक्टर का ही आंसर आएगा, एनसीईआरटी में आने का चांस नहीं है, मेंस नीट दोनों में आता है, दोनों में आता है, ये पुराने पेपर में दिख जाएगा आपको दोनों। तो मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मुझे चांस कम लगता है इसका, पार्शियल नहीं आता। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। अब जैसे सपोज आपको v किस क्या गिवन है? 2x। अगर आपको v 2x गिवन है, आपको e वेक्टर निकालना है। अब इसमें चक्कर नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव या फुल जो मर्जी यूज कर लो, क्यों? क्योंकि y z है ही नहीं। तो यहां पर dv बाय क्या करेंगे? dx माइनस dv बाय dx, और क्योंकि x एक्सिस चल रहा है तो पीछे कैप क्या लगेगा? i कैप। v की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2x, 2 बाहर आ गया, dx बाय dx वन आंसर। तो ये क्या आ गया? e वेक्टर आ गया। यहां तक कोई डाउट? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो हमने अभी क्या सीखा? अगर हमें v गिवन है, अगर हमें v गिवन है और हमें e वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, अगर एक्स एक्सिस में चल रहे हैं तो हम V की वैल्यू पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E आ जाएगा, डन। लेकिन अगर सपोज करो ऐसे हो, इस बार आपको E वेक्टर गिवन है और आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ई वेक्टर की फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका बोलो क्या था? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर वन या आर ए से लेके आर बी, जो भी लिमिट्स है इनिशियल फाइनल लगा लेंगे। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर हमें वी गिवन है और ई निकालना है तो डिफरेंशिएशन माइनस डी वी बाई डी एक्स, और अगर हमें ई गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कब क्या लगाना है समझ में आ रहा है? फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करना है, नोट कर लो। इफ वी इज गिवन कैलकुलेट ई, तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नीचे वाला। इफ ई इज गिवन वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला।
ठीक है, याद रहेगा आपको, ट्रिक याद रहेगा क्या करना है। ठीक है यहाँ तक। अब लगाना कैसे है वो देखते हैं। देखो ये नई चीज है, आपको ई वेक्टर वो दे रहा है आई कैप जे कैप और के कैप में, दे दिया। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी का। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस उसने क्या लिखा, वी ए बी। अब यहां से वी ए बी को देखते हुए ये पता नहीं लग रहा कि आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है या वी बी माइनस वी ए निकालना है, ये नहीं पता लग रहा। ठीक, व्हेन चार्ज इज टेकन फ्रॉम आर ए वेक्टर टू आर बी वेक्टर, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आप पहले नोट करें अपने फॉर्मूला रजिस्टर में फॉर्मूला, अगर वी ए बी पूछा जाए तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वी ए माइनस वी बी, और अगर आपको वी बी ए कैलकुलेट किया जाए तो वी बी माइनस वी ए। कोई डाउट इसमें, ये पहला रूल है, ये नोट करें। दूसरा आपको याद रहेगा वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। दूसरा रिमेंबर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, माइनस ई डॉट डी आर। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसको देखें, पक्की बात है दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, फाइनल इनिशियल, ये लिमिट क्या है इनिशियल, ये लिमिट क्या है फाइनल, याद रख लेना। तो याद रखना फाइनल इनिशियल, इनिशियल फाइनल। तो जैसे मैंने वी ए माइनस वी बी निकाला तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी इसमें इनिशियल है और ए इसमें फाइनल है, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से नीचे देख लो, अब ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फॉर्मूलाज दोनों क्लियर हैं सारे, तो ये लिख लेना फॉर्मूला रजिस्टर में, याद रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब क्वेश्चन करें सॉल्व। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, वी ए बी। वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ई वेक्टर क्या गिवन है, टू आई कैप थ्री जे कैप फोर के कैप। ऐसे क्वेश्चन में डी आर वेक्टर स्टैंडर्ड है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, क्योंकि पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर तीन कोऑर्डिनेट्स का बना हो सकता है, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये स्टैंडर्ड है, हर क्वेश्चन में यही करना है। ई वेक्टर आपको चेंज करके देता रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, और लिमिट क्या लगेगी, आपको कहां से कहां जाना है, आरबी से आर ए। आरबी को, आरबी की लिमिट्स कैसे लगानी है, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, टू वन माइनस टू, इसके कितने, वन माइनस टू वन, ये देखो आरबी की जगह टू वन माइनस टू, आर ए की जगह वन माइनस टू वन। हमने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं कभी तीन तीन लिमिट्स वाले, पर ये एक ही क्वेश्चन है पूरे प्लस टू में जैसे होगा, तो तीन लिमिट्स लगा दी। डॉट प्रोडक्ट लेना है आई को आई के साथ, तो क्या बनेगा टू डी एक्स, जे को जे के साथ थ्री डी वाई, के को के साथ फोर डी जेड। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वाई इज
वाई, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी जेड, 1 डी जेड इज जेड लिमिट के साथ, एक बार एक्स वाई जेड की लिमिट 1 माइनस 2 1, एक बार फाइनल लिमिट 2 1 माइनस 2, दोनों को क्या करें माइनस, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि प्रॉब्लम को कैसे करना है आपने? यही स्टैंडर्ड है। कहीं सोचे कि हम नया क्वेश्चन आ गया क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला याद करेंगे, ई वेक्टर चेंज करे जाएगा, नीचे आंसर चेंज होता जाएगा। जैसे सपोज करो, कर लो ये लो, सपोज आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड फाइंड वी ऑफ ए बी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आई कैप जे कैप के कैप एंड चार्ज चार्ज इज टेकन फ्रॉम आर ए वेक्टर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप टू आर बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। इसका आंसर निकालेंगे, फाइंड वी ऑफ ए बी। वोल्ट करो ट्राई, चेक कर लेते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको v ऑफ ab निकालना है। v ab का मतलब क्या सिखाया था, va माइनस vb माइनस e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये क्या था फाइनल, ये क्या है इनिशियल, लिमिट में क्या लगेगा इनिशियल से फाइनल, ठीक हो गया। तो इसमें अगर वैल्यू पुट की जाए तो वैल्यू में यहां पर आएगा माइनस ई वेक्टर, ई वेक्टर कितना था आई कैप जे कैप के कैप, और डी आर वेक्टर में डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ये लो। और लिमिट्स में आर बी का कोफिशियंट क्या है 1 1 1, आर ए का कोफिशियंट क्या है 2 1
वन। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, आई को आई के साथ तो वन डी एक्स, फिर इसके बाद क्या आएगा, वन डी एक्स प्लस वन डी वाई प्लस वन डी जेड। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ऐसे ही होगा। तो यहां पर लिमिट वन 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 से लेके टू वन वन तक। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन में बचेगा x, क्या बचेगा y, क्या बचेगा z, कहां से कहां तक, वन 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 से लेके टू वन वन तक। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह टू, y की जगह वन, z की जगह वन। एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, वन प्लस वन प्लस वन, तो क्या आएगा, टू प्लस वन थ्री प्लस फोर माइनस थ्री, कितने वोल्ट, वन वोल्ट इज द आंसर।